बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल अपनी, यानी कि दांत दाड़ के एक्सरे करवाने, तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये कैसे होता है। मेरा भी फर्स्ट टाइम ही है, तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, शेयर करूँगी कि क्या परेशानी है इससे गुजरना पड़ता है आज मुझे। तो पता नहीं क्या होता है, वो मेरी दाढ़ निकालते हैं यार, उसको बेचारी को रहने देते हैं, मैं बड़ी परेशान हूँ। गेट खोल लिया, बाहर जा रही हूँ। आगे फिर से नीचे बराबर कर लो, बराबर कर लो, चॉकलेट वगैरह खाते हैं तो इसमें ऐसा नहीं गया, पेस्ट्री तो रोज करता है। मैंने थोड़ा सा डीजल सीरप दिया है इसको पेन के लिए, अगर कोई पेस्ट है तो कोई पेस्ट भी दिख दिया। दांत बचाना है तो 3,500 खर्चा है डेढ़ करके। हाँ जी, कवर कर देंगे। 5-6 दफ़ा आना पड़ेगा, दो दो दिन के गैप, दो दो घंटे, दो दो दिन के गैप, दो दो दिन। अच्छा, तकरीबन 2 हफ्ते लग जाते हैं। ठीक है, फिर सही हो जाएगा। अच्छा ठीक है, स्टार्ट करवाना है। अब कितने, अभी पेमेंट जमा करवानी है सर? 1,250 पहले जमा होंगे, 2,000 हफ्ते एक बार जमा। ठीक हो गया, करवा दो। हाँ जी, क्योंकि मुझे तकलीफ है, आज मैं रात सो ही नहीं थी, यहाँ सिर्फ दर्द होती है। दर्द कम ख़त्म हो जाएगी? और डॉक्टर साहब, मेरी इधर वाली दाढ़ भी है, उसमें खोड़ है, उसमें मशवरा मैं कर रही हूँ, उसमें खोड़ है, जिस तरह चने की दाल का इतना बड़े खोड़ है, उसमें मैं तंग नहीं करती, पर खाना मैं 3 साल से इधर ही खा रही थी। अगर इतनी बड़ी कैविटी है ना, एक्सरे उसका भी होना चाहिए, तंग नहीं करती। ये करवा के फिर मैं वो भी करवा, वो भी डेड हो जाएगी। मैं फिर पेमेंट जमा करवा के आऊँ।
बड़ा घर आई हूँ, मोइज ने मुझे पानी पिलाया, मैं से पानी नहीं पिया जा रहा और मेरी जुबान भी सुन रहा है। मैं यही कहती हूँ अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, हमारी चीज़ें अल्लाह पाक ने आँख कान दांत सब पूरी बनाई। यकीन करें मुझे आज 4 से 5 दिन हो गए हैं मेरे दांत में इतनी दर्द है, तो मैं डेली जा रही हूँ और वो ना ट्रीटमेंट कराने। तो आज वो ना कह रहे थे भी वो बताया मैंने वीडियो ऑन ही थी, डॉक्टर ने भी आपका दांत आपने निकालना है कि यहाँ हम इसको डेड करके सही करें, इतने पैसे लगेंगे। तो मैंने कहा भी आप, मैं तो नहीं चाहूँगी मेरा दांत निकले, ये सामने दांत है यहाँ पे नीचे वाला, ये निकल जाएगा अच्छा नहीं लगेगा। तो वो फिर आज उन लोगों ने मेरा ट्रीटमेंट किया, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। जब वो करने लगे तो फिर वो कहते हैं अपना सामान साइड पे रख दें, आप ना पकड़ें मोबाइल या पर्स, मतलब ग्लासेस भी लगाई थी वो भी तरवा दी, कहते भी ये ना पेनफुल है, काफ़ी मुझे दर्द हुई, इंजेक्शन लगे हुए एक ऊपर लगा एक नीचे है। जब वो डॉक्टर इंजेक्शन लेके आ गया, मैंने कहा आपने मुझे इंजेक्शन लगाना, कहते हैं जी। तो मैंने कहा मुझे तो इंजेक्शन से ही डर लगता है, मुंह में जो लगाते हैं, कहते फिर उसके बगैर नहीं होगा। तो मैं नाश्ता करके नहीं गई थी, मुझे कहते फ़ौरन जूस पिए आप, मैंने कहा नहीं कुछ होता, कहते नहीं ये ट्रीटमेंट हार्ड है आप कर लें। तो मैंने ये मकसद यही था ये शेयर करने का, मेरे से बात सही नहीं हो रही, अभी मैंने कल छोड़ के परसों फिर जाना, दो दो दिन बाद जाना, ये 8 दिन मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। दुआ करना मेरा दांत सही हो जाए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करना और देख लेना। मेरे ये बताने का यही था भी अल्लाह ना करे किसी को ऐसा मसला हो, अगर हो तो बंदा चलो देख के मजबूत हो जाता है और पता चल जाता है भी इस तकलीफ़ की ये मेडिसन है।
चलें जी, दुआओं में याद रखना, जो न्यू है वीडियो में वो लाइक सब्सक्राइब कर देना। ओके, अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए, प्यार बांटिए। मैं से बोला नहीं, मैंने पानी पिया, मैं कहता मामा मैं से पानी नहीं पिया जाता, ये लिप्स देखे बड़े बड़े हो गए, ये सुन है।